हेलो सलाम नमस्कार आदाब। तो कैसे आप सब? अभी हम आ गए हैं कल जो जिस साइड पे एसी का काम किए थे, परिणय विवाह भवन है तो बैरिया में विवाह भवन है, इसमें कल एक एसी लगाया था, एसी लगाए थे तो वही साइड पे फिर से वापस आ गए हैं, क्योंकि अभी चार एसी और लगाना है तो तीन एसी जो है इस हॉल में लगाना है। ये हॉल में एक यहाँ पर लगेगा जो कि एक यहाँ पे लगेगा जो कि अभी प्लाई नहीं लगा हुआ, इसके सेंटर में लगाना है। ये जो विंडो है और ये जो वॉल है यहाँ पे, इसके सेंटर में लगाना है एक एसी। तो अभी और ये दोनों विंडो के सेंटर में एक लगाना है, और वो विंडो के बाजू में जो बोर्ड दिख रहा है एमसीबी वाला, उसके बाजू में एक लगाना है। तो अभी जो है इस सब पे प्लाई नहीं लगा है, इसके लिए अभी रुके हुए हैं। प्लाई वाला भी आ गया है और प्लाई का काम भी इधर चल रहा है। ये नीचे देखिए प्लाई का काम चल रहा है, तो प्लाई लग जाएगा, उसके बाद एसी लगेगा। और नीचा भी एक लगाना है, तो नीचा का हम बता रहे हैं कहाँ पे लगेगा। नीचा जो है इस रूम में लगेगा एक, तो इस रूम में यहाँ पे एक आ रहा है। और हम एसी भी खोल के रख लिए हैं, यहाँ पे कैबिनेट सब निकाल के रख लिए हैं, और यहाँ पे भी प्लाई लगेगा, उसके बाद ही लगेगा एसी। तो अभी वेट करें प्लाई लगने का, प्लाई लगेगा उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे। तो अभी वेट करते हैं कितना टाइम लगता है प्लाई लगाने में, प्लाई लगेगा उसके बाद हम एसी लगाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे प्लाई लग गया है और अभी हम जा रहे हैं इसमें स्टैंड लगाने के लिए। प्लाई इसमें कारपेंटर जो है प्लाई लगा दिया है, तो अभी हम जा रहे हैं इसमें स्टैंड लगाएंगे इनडोर का। पानी किधर है? राइट साइड इधर है, वो ठीक है। Thank you.
इसका जो है ये जो वेंटिलेशन का जगह दिख रहा है उसके बाजू में इंडोर का प्लेट लगाया है, तो उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे लेफ्ट साइड में होल करते हैं एसी का जो इंडोर है उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे होल निकलेगा और यहाँ से पाइप ऊपर चला जाएगा, तो अभी यहीं पे होल करते हैं। और बीच में ये एसी के बाद जो एसी आउटडोर लगाएंगे वो ऊपर वाले का लेंगे या इसका लेंगे, इस वाले एसी का लेंगे, तो इसके लिए अभी इसका जो है तीसरा नंबर पे आउटडोर रखेंगे ऊपर में और वहाँ का रखेंगे यहाँ ये दूसरा नंबर पे और ये तीसरा और वहाँ से फिर पाँचवा नंबर। तो अभी इसका पहले होल करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर में प्लेट अभी लग रहा है, प्लाई का जो प्लेट है ऊपर में लग रहा है, तो फिर ऊपर वाले का इंडोर लगाएंगे। तो पहले होल इसका कर लेते हैं, उसके बाद प्लाई लगाने का काम शुरू करेंगे। यहाँ पे जो है एक प्लाई लग गया है, दो प्लाई यहाँ पे, दूसरा प्लाई लग गया है और वहाँ पे एक लग रहा है, तो इस पर तीन एसी आना है और यहाँ पे एक आएगा। जस्ट बाजू में बोर्ड है, ये ऊपर से आ रहा है, क्या हुआ वहाँ से 6 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा हटाइएगा। हाँ 6 इंची हटा दीजिए, चलेगा। हाँ तो नीचे का भी होल फोड़ते हैं फिर दिखाते हैं आपको। इसका होल भी कंप्लीट हो गया है, होल आर पार हो गया है, जो कि लेफ्ट साइड में होल है। अब दूसरे वाले इंडोर को ठोकने चलते हैं, जो कि होल में तीन इंडोर लगाना है, तो पहले इंडोर लगा लेते हैं उसके बाद आउटडोर सब चढ़ाएंगे। एक एसी यहाँ पे आ रहा है, दो एसी पीछे वहाँ पे जा रहा है, तो अभी ये तीनों इंडोर को ठोक करके इसका हॉल कर लेते हैं, उसके बाद आउटडोर चढ़ाना शुरू करेंगे। हॉल का तीन जो एसी हॉल में लगना था उसका भी प्लेट ठोक दिए हैं और हॉल भी कर दिए हैं तीनों का, और एक इस सबको भी टांग दिए, अभी पाइप नहीं डाले हैं, तो हॉल इसका भी हो गया है और इसका भी हो गया है और लास्ट वाले का भी हो गया है। और ये जो दीवार नहीं है ये मतलब पुट्टी से ये किया हुआ है और पीछे साइड में जो है एसीपी मारा हुआ है, तो ये जो है बीच में खोखला है, बीच में कुछ नहीं है। तो इसका इंडोर सब लग गया है, अब ये आउटडोर पीछे लगाएंगे, आउटडोर को अच्छी तरीके से बैठा देंगे, उसके बाद फिर पाइपिंग का काम शुरू करेंगे। जितने भी आउटडोर है सभी को ऊपर चढ़ा दिए हैं और पाँचों आउटडोर जगह पर आ गया है। अब रह गया पाइपिंग का, तो पाइप तो है अभी 10-12 फीट और कम हो जाएगा, पाइप और लेना होगा। 50 फीट का रोल लेके आए थे तो उसमें और 14 फीट के आसपास लाना पड़ेगा। और पाइप का टेप ऊपर भी नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस से टेप वगैरह लेने के लिए। और वो जो होल दिख रहा है वहाँ एक एसी है, एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, चार एसी का पाइप अभी दौड़ाना है। तो चलिए पाइप जोड़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी चारों एसी का जो पाइपिंग है, पाइप यहाँ पे सब में जोड़ना था पाइप, तो सब में पाइप जोड़ करके अभी रख दिए हैं और रात हो गया है, तो कल आते हैं फिर, कल पाइपिंग यहाँ पे करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।